तो जब भी किसी स्पेस को एक्स्टिकली ट्रीटमेंट की बात आती है स्टूडियो बनाने के बारे में आप सोच रहे हैं तो दो ऑप्शन आपके पास होते हैं या तो आप फोम खरीद सकते हैं जो पिरामिड शेप फोम जो हर जगह मिलता है या फिर आप रॉक वूल खरीद सकते हैं कौन सा बेटर ऑप्शन है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं नास्तों दोस्तों मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आप रिकॉर्ड से आशा करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे जब भी आप किसी जगह पे रिकॉर्डिंग करने की बात सोचते हुए वोकल रिकॉर्डिंग गिटार रिकॉर्डिंग कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग या फिर मिक्स करने के बारे में सोचते तो आपको उस स्पेस को एक्स्टिकली थोड़ा सा ट्रीट करना पड़ता है ताकि आपके रिकॉर्डिंग्स में एको ना आए रिवर्व ना आए और अच्छा साउंड करे प्रोफेशनल साउंड करे और एक्स्टिकली ट्रीट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं या तो आप फोम खरीद सकते हैं या तो आप रॉक वोल खरीद सकते हैं फोम जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल है बहुत लोग इसको खरीदते भी हैं रॉक वूल जो है वो इतना इजीली अवेलेबल शायद नहीं है और ज़्यादातर लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं है लेकिन बेटर कौन सा रहता है कौन सा आपको एक्चुअली ख़रीदना चाहिए और कौन सा ज़्यादा फायदेमंद रहता है ना जो फैक्ट है वो ये कि फोम और रॉक वूल दोनों अब्जॉर्बिंग मटीरियल दोनों एब्जॉर्व करते हैं लेकिन अब्जॉर्व तो ब्लैंकेट्स भी करते हैं टावल्स भी करते हैं पर्दे भी करते हैं लेकिन कौन सा ज़्यादा अब्जॉर्व करता है कौन सा बेटर है कंपेरिटिवली ये चीज समझने के लिए हमें एक चीज समझना पड़ता है जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्ब को एफिशियंट वैल्यू ना ऑफकोर्स जितनी ज्यादा वो को एफिशियंट वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो सामान ऑब्जॉर्व करेगा आपके साउंड को जितना आपका साउंड ऑब्जॉर्व होगा उससे उतनी कम आपकी रिफ्लेक्शन होगी कमरे में उतना कम बेसिकली एक् और रिवर्व आपको सुनाई देगा और स्ट्रेट वे अगर टू दी पॉइंट में जवाब दूं तो ये है कि रॉक कुल जो है वो काफी डेंसर मटेरियल है कंपेयर टू फोम और ये काफी लो फ्रीक्वेंसीज तक एब्जॉर्व कर सकता है कंपेयर टू अ फोम अगर आप सोचें कौन सी लो फ्रीक्वेंसीज है कौन सी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली exactly ये जो रॉककुल है ये अब्जॉर्व करता है तो देखिए जो एब्जॉर्ब्शन का फंडा है वो कुछ इस तरीके से है कि जितना थिक आपका मटीरियल होगा उतना ज्यादा अब्जॉर्बन होगा कंसिडरिंग कि अगर हम एक फोम को जितने थिकनेस के एक रॉकवल को ले तो रॉकवल कंपेरेटिवली ज्यादा अब्जॉर्व करेगा लोअर फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू तो अ फोम जनरली कहा जाता है कि वन के के नीचे रॉकवल काफी बेटर साउंड करता है एंड अगर हम सिर्फ फोम की बात करें फ़ोम जो है वो आपके हाई फ्रीक्वेंसीज को अब्ज़ॉर्व करता है क्योंकि इस बात को समझिए कि जो फ्रीक्वेंसीज होती है जो वेव होती है वो फिजिकल डिस्टेंस होती है मैं अगर दो मीटर कह रहा हूँ वो सिर्फ कंप्यूटर में नहीं वो एक्चुअल में दो मीटर का लेंथ होता है फिजिकल डिस्टेंस होता है जिसकी वजह से हमें काफ़ी थिकनेस की ज़रूरत होती है लो फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्व कराने के लिए और फ़ोम इस चीज़ में ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि फ़ोम आपकी हाई फ्रीक्वेंसीज को डाउन करता है छोटी फ्रीक्वेंसी जो छोटे लेंथ के होते हैं उनको एब्जॉर्व करता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे कमरे को फोम से भर देते हैं उस सिचुएशन में आपकी सिर्फ हाइज डाउन हो जाते हैं हाइज़ को कम कर दिया जाता है एब्जॉर्व कर लिया जाता है जिससे आपको ये फील आता है कि रूम काफ़ी ज़्यादा एक्स्टिकली ट्रीट हो गया लेकिन ये करेक्ट वे नहीं है क्योंकि जो मेजर इश्यूज होते हैं वो हमेशा लोज और मिड्स में ही होते हैं हाई फ्रीक्वेंसीज को टेन करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कंपेयर टू लो फ्रीक्वेंसीज ना इसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूं हमेशा कि मान लीजिए आपके घर के पास या फिर थोड़े दूर पर कहीं पर एक कंसर्ट हो रहा है कोई बड़े आर्टिस्ट हैं वो गा रहे हैं रात के दो बजे तक वो कंसर्ट चल रहा है आप नहीं गए आप अपने घर पर बैठे लेकिन आपको वो कंसर्ट कैसे समझ आता है कि वहाँ पे फंक्शन चल रहा है जब आप उसके लो फ्रीक्वेंसी सुनते हैं जब आप उन लो फ्रीक्वेंसीज आपके घर तक पहुँचती है वहाँ पे जो बंदा गा रहा है उसकी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देती है लेकिन वो बेस सुनाई देता है वो थम सुनाई देता है सिमिलरली अगर आप गाड़ियों में जिनमें बेस ज़्यादा होता है तो आपको बेस सुनाई देता है एक्चुअली हाईज़ क्या चल रहे हैं आपको समझ नहीं आता है इसका रीज़न यही है क्योंकि लो फ्रीक्वेंसीज को कंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और इस मामले में फ़ोम ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है अगर आप फोम

पूरे स्पेक्ट्रम को ट्रीट करने की बात करें और इसके अलावा रॉकपूल जो है वो नॉन कंबस्टिबल है यानी कि फायरप्रूफ है साथ में एंटी करोजन है खराब नहीं होगा दीमक कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे जो ओनली डाउन है वो ये है कि जिस तरीके की लुक्स है जिस तरीके का वो दिखता है रॉकपूल वो ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं है कंपेयर टू अ फोम नाउ इसके भी तरीके हैं अगर आप उसको लपेट ले किसी फैब्रिक में दैट मेक्स इट डिसेंट आप उसको यूज कर सके मैंने दो वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे मैंने पैनल्स बनाए हैं अपने स्टूडियो के लिए आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और आपको पता चला कि कौन सा आपको खरीदना चाहिए मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ अब तक के लिए टेक केयर साइन ऑफ